भारत में एक बार फिर से कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 2183 मामले सामने आए। इस दौरान 214 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, वहीं 1985 लोग भी कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में एक्टिव केस की बात करें तो 11,542 एक्टिव मामले हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 98.76 हो गया है। वीकली पॉजिटिव रेट की बात करें तो 0.32% है। इससे पहले रविवार को 1150 मामले सामने आए थे, यानी पिछले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा केस मिले हैं। भारत में अभी तक कोरोना के 4,30,44,280 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 4,25,10,773 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 5,21,965 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में वैक्सीनेशन के तहत करीब 186 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। एक्टिव केस कुल केसों का 0.3% है। इससे पहले रविवार को भारत में कोरोना के 1150 नए मामले आए थे। एक्टिव केस 11,558 थे। वहीं चीन में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शंघाई में कोरोना वायरस की नई लहर में पहली मौत दर्ज की गई। शंघाई में रविवार को 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाले शंघाई में लॉकडाउन है। ऐसे में लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। इसके बावजूद यहां तेजी से केस बढ़ रहे हैं। शंघाई में कोरोना के 17 अप्रैल को 19,831 केस दर्ज किए गए। इससे पहले शनिवार को 21,582 केस दर्ज किए गए थे।